गुड मॉर्निंग। यह हमारी बीएससी पार्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइट एंड नाइट्रो, नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शंस। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया एमीन्स। एमीन्स में नॉमनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। सारे के सारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन जो हैं, इसके ज़्यादातर रिडक्शन बेस्ड हैं। इन सभी मेथड्स को आप अच्छी तरह पढ़ें और उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं, रिएक्शंस करने से पहले बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी और एमीन्स के केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा, वो होगा बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। जब भी एमीन्स की बात आती है कि क्वेश्चन पूछना है, तो एमीन्स में से सबसे अच्छे क्वेश्चन किसके बनते हैं, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। कौन सा एमीन कम बेसिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन्स, बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में पहले पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने हर चैप्टर में आपको बताया, बॉइलिंग पॉइंट के जो क्वेश्चन होते हैं, वो स्मॉल क्वेश्चंस में आपसे कंपेयर करवाते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इनको बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं, उसके लिए हमें कंसेप्ट समझना होता है। तो इसमें मैंने तीन पॉइंट जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स इज हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। एमीन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उनसे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके ज़्यादा होने का कारण क्या है, देखिए आप कि एमीन्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं आपस में। एमीन्स क्या बना सकते हैं आपस में, जैसे एक दूसरा एमीन्स लिखा मैंने आर एन एच, ऐसे ही हमने दूसरा एमीन लिखा एन एच आर आर, ये एमीन्स हैं। जैसे अब इन एमीन्स में क्या पॉसिबल है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब इस स्टेज पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, संगोनित अवस्था में रहते हैं। इससे इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी मॉलिक्यूलर वेट वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें पॉसिबल नहीं होती, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसी में एक और पॉइंट लेते हैं। जैसे कि एमीन्स में हमने पढ़ा था, एमीन्स प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, आप प्राइमरी एमीन्स में हाइड्रोजन कितने हैं, दो, सेकेंडरी एमीन में हाइड्रोजन कितने हैं, एक, और टर्शरी एमीन में हाइड्रोजन नहीं है। तो टर्शरी एमीन में हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन है उनका कंपेयर करें, तो उसका आंसर क्या होगा, प्राइमरी विल बी मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी विल बी मोर देन टर्शरी, क्योंकि इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके अंदर केवल एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, कंपेरेटिवली कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, मैं आपको मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है, या आइसोमेरिक एमीन्स लिखे मैंने ए बी सी और डी, ये दोनों प्राइमरी हैं, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। इन दोनों में भी अगर हमें कंपेयर करना होगा, देखो ब्रांचिंग, ये मैंने एक्सप्लेन किया, ब्रांचिंग के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होगा, कम। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा ए इज़ मोर देन बी,
प्राइमरी प्राइमरी में कंपेयर किस बेस पे किया हमने, हाइड्रोकार्बन के चेन के बेस पे किया। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग होने से साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और साइज़ कम होने से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। NH2 इसमें कॉमन है, यहाँ पर सेकेंडरी है हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एक्सटेंट है प्राइमरी से क्या होगा, कम होगा, इसलिए सी एंड सी इज मोर देन डी। तो बॉइलिंग पॉइंट के जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से, इनमें ऐसा नहीं कि हमें बॉइलिंग पॉइंट याद करने पड़ते हैं, कंसेप्ट समझिए उस बेस पे आपका आंसर हम दे सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब तीसरा पॉइंट मैंने इसमें बताया आपको कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स आर लोअर देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करें तो उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमीन्स में उनसे कम होता है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एमीन्स का वो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, कम होता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात करते हैं, हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें हमेशा पता होना चाहिए कंपाउंड किस में सॉल्युबल है किस में सॉल्युबल नहीं है। अब जो एमीन्स हैं दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है, इसलिए जो एलिफैटिक एमीन्स होते हैं, एलिफैटिक एमीन्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये पानी से क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप कैसा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो कि पानी में नहीं खुलता है। जैसे मान लो हम कंपेयर करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है, मान लो हमें एक हमारे पास है मिथाइल अमीन, एक हमारे पास है इथाइल अमीन, एक हमारे पास है प्रोपाइल अमीन और एक हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अमीन। हमें क्या करनी है, सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है इनकी। अब सॉल्युबिलिटी कंपेयर करेंगे तो हम किस पे ध्यान देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी के सभी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप सबसे छोटा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी। यहाँ एल्काइल ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है थोड़ा बड़ा हो गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना बड़ा होता जाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। यहाँ देखिए प्रोपाइल और ये आइसोप्रोपाइल, इसमें भी क्या कंपेयर करेंगे, आइसोप्रोपाइल पार्ट साइज छोटा हो जाएगा ब्रांचिंग कारण, तो आइसोप्रोपाइल की जो सॉल्युबिलिटी है वो नॉर्मल प्रोपाइल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हमें लिखना हो, मान लो ए बी सी और डी, ये चार एग्जाम्पल दिए हैं और सॉल्युबिलिटी का हम ऑर्डर लिख रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, ए इज मोर देन बी, बी इज मोर देन डी, डी इज मोर देन सी। आपको पता चले डी और सी में हमने क्या कंपेयर किया, साइज सॉल्युबिलिटी के लिए, है ना। और जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं एनिलीन वगैरह, एरोमेटिक एमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एरोमेटिक एमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट हर चैप्टर में मैंने आपको बताया इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे को इसके अंदर पूछे जाते हैं। ओके, अब जो एमीन्स का नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है एमीन्स के बारे में। एमीन्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन क्या, देखिए ध्यान से हेडिंग डाल दो आप इसका, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, एमीन्स की क्षारता, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, एमीन्स की क्षारता, एमीन्स की बेसिटी। एमीन्स देखो बेसिक होते हैं, पहली लाइन आप ये लिख लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि एमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण एमीन्स क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एमीन्स कैसे होते हैं? फिर लिखो आप कि एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। एमीन्स जल से अधिक क्षारीय होते हैं, देयरफॉर दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच आयनाइज टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन। दैट इज एक्व सोल्यूशन ऑफ एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। हम क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर कि जैसे जो एमीन्स हैं, देखिए जो लाइन बोली है वो आप पॉज करके लिख सकते हैं नोट्स में अपने पानी से। एमीन्स जो है वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे? एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ दिस एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल फर्निश अस एल्काइल अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। तो ये हाइड्रोक्सल आयन देते हैं एक्व सोल्यूशन में, इसलिए इनकी नेचर कैसी है? बेसिक नेचर की है। हैंस एक्व सोल्यूशंस आर बेसिक इन नेचर। अब मान लो एमीन्स का हमने एक्व सोल्यूशन है ना, एमीन्स का एक्व सोल्यूशन हमने OH आयन दे दिया, इसलिए एक्व सोल्यूशन ऑफ एमीन्स के लिए अगर हम इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम क्लोराइड से कराएं, ये मान लीजिए एमीन्स हैं और इसका एक्व सोल्यूशन बनाया हमने, शॉर्ट में समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, और इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करवाते हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड से कराते हैं, तो क्या बनाएंगे? वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के। फेरिक क्लोराइड से कराते हैं मान लो इसकी रिएक्शन, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ब्राउन कलर के क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ये प्रेसिपिटेट बनना क्या इंडिकेट कर रहा है? ये अवक्षेप बनना क्या इंडिकेट कर रहा है? कि एमीन्स के एक्व सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन थे, हाइड्रोक्सल आयन थे तभी तो फेरिक क्लोराइड ने फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया, एल्युमिनियम क्लोराइड ने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो ये प्रूव करता है कि एक्व सोल्यूशन ऑफ एमीन्स फर्निशेस हाइड्रोक्सल आयन और उस कारण से क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ओके, बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए जो डाटा हम यूज़ करते हैं वो क्या कर सकते हैं? KB, KB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ KB स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। और KB और PKB में रिलेशन क्या होता है ये आपको मालूम है। PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग KB। कभी कभी ऐसे लिखते हैं कि इनको PKB के घटते या बढ़ के क्रम में लिखो KB। इसमें ध्यान रखना है आपको KB की वैल्यू जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसकी KB की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसके PKB की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग KB। अब देखो जो एमीन्स की जो बेसिटी की बात है वो किन बातों पे डिपेंड करती है ये अपने को बहुत अच्छी तरह समझना है, और फिर हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मैं पेज चेंज करता हूँ। अभी आपने देखा कि अमोनियम आयन फॉर्म, तो जो एल्काइल अमोनियम आयन बनेगा, देखिए कि ये एमीन्स, अभी मैंने लिखा है रिएक्शन लिख के दी थी कि एक्व सोल्यूशन ऑफ एमीन्स, ये हमें क्या देंगे? एल्काइल अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब एल्काइल अमोनियम आयन, बहुत अच्छे से देखिए इस लाइन को, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, इसका नाम क्या होगा? एल्काइल अमोनियम आयन। एल्काइल अमोनियम आयन की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी है ना, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बेसिसिटी ऑफ एमीन्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब हमें क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल अमोनियम आयन। अब एल्काइल अमोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है कितने बातों पर डिपेंड करेगी? ये तीन बातों पर डिपेंड करेगी। देखो नंबर वन किस बात पर डिपेंड करेगी? प्लस आई इफेक्ट ऑफ
एल्काइल ग्रुप, नंबर टू किस बात पे डिपेंड करेगी, स्टीरिक इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, और नंबर तीसरी बात करेगी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको इन तीनों फैक्टर्स को अच्छी तरह समझना। देखिए पहला सर क्या लिखा है, देखो एल्काइल अमोनियम पॉजिटिवली चार्ज है, एल्काइल ग्रुप यानी जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा इसका, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। प्लस आई इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होगा, जितना एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता जाएगा वो इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस के इफेक्ट कारण कम करेगा। यानी प्लस आई इफेक्ट और स्टीरिक हिंड्रेंस, ये दोनों जो इफेक्ट हैं अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। बोथ दीज इफेक्ट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या मतलब, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को क्या करता है, इसकी बढ़ाता है, लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस जैसे ब्रांचिंग हो जाएगी, बड़े एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे तो वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए एकदम आसान नहीं होगा, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो इसके इनके एग्जाम्पल्स को देखना इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि हमें तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके देखना होगा। और तीनों फैक्टर में क्योंकि दो फैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि हम क्या काम करते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल का मैं तरीका बताता हूँ आपको। अब एग्जाम्पल्स लेंगे हम जैसे, ठीक है। अब इसके अंदर जनरल हम ये नहीं कह सकते भी टर्शियरी अमीन में एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं तो उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो गया, सेकेंडरी में कम, तो ये जनरल राइट रिजल्ट नहीं करता। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एल्काइल ग्रुप हम ले रहे हैं, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा एल्काइल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब मैं इसके एग्जाम्पल लूँगा। क्वेश्चन, ये मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई हैं, ये रीजनिंग में काम आती हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन काम आते हैं। आजकल क्वेश्चन कैसा आएगा आपको कि एमीन्स दे देंगे और एमीन्स दे के आपको कहेंगे कि इनको बेसिटी के घटते या बढ़ते क्रम में लिखो। ओके, जैसे अब मैंने एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कौन सा लिया हमने, मिथाइल एमीन, डाइमिथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन और अमोनिया। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है और ये है। अब देखो इसके अंदर हम सोचते हैं कि ट्राइमिथाइल अमीन में तीन है तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, प्लस आई इफेक्ट तो ज़्यादा है लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो इसका आंसर बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, आंसर विल बी डाइम, इसको ए बी सी डी लिख देते हैं, चलो ए बी सी, इसका आंसर बेसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन का आंसर क्या होगा, बी इज मोर देन दिस मिथाइल अमीन, ए इज मोर देन ट्राइमिथाइल अमीन एंड ट्राइमिथाइल अमीन इज मोर देन अमोनिया। अब समझने की बात ये थी कि आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सी, सी में तीन मिथाइल ग्रुप थे तो ज्यादा, लेकिन क्या हुआ, सी में तीन मिथाइल ग्रुप थे बिल्कुल सही है लेकिन प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम भी करता है। ओके, तो आंसर विल बी डाइमिथाइल अमीन इज मोर देन मिथाइल अमीन इज मोर देन ट्राइमिथाइल अमीन इज मोर देन अमोनिया। क्वेश्चन ये आएगा आपको, ऐसे एग्जांपल चेंज करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। से हमने लिया इथाइल अमीन, ग्रुप चेंज करेंगे बाकी तो वही प्राइमरी सेकेंड, डाइएथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन और फिर लिया हमने अमोनिया। इसको भी आंसर लिखने के लिए हम ए बी सी और डी लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो गया, एल्काइल ग्रुप का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो इस केस में वापस देखो, जो डाइएथाइल अमीन है दैट इज मोर देन इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप कौन सा, ये ट्राइथाइलमीन, ट्राइथाइलमीन एंड ट्राइथाइलमीन इज मोर देन प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन कौन सा, ए और फिर दैट इज मोर देन अमोनिया,
राइट। इसी प्रकार अब मान लो हम साइज और चेंज कर सकते हैं, ज़्यादातर ये दो एग्जांपल आते हैं, एक एग्जांपल और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं देखो NPR का मतलब नॉर्मल प्रोपाइलामीन, नॉर्मल प्रोपाइलामीन के बाद मैंने ले लिया नॉर्मल प्रोपाइल का ही डाई नॉर्मल प्रोपाइलामीन, फिर ले लिया ट्राई नॉर्मल प्रोपाइलामीन एंड देन अमोनिया। आंसर लिखने के लिए इसका भी A, B, C और D ये चीज़ हमने इसकी आंसर में लिखी है, देखो ध्यान से, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वही वापस सेकेंडरी, सेकेंडरी में दो प्रोपाइल ग्रुप हैं, तो आंसर विल बी, आंसर पेन चेंज कर देता हूँ आंसर के लिए, बी सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी, टर्शरी कौन सा है सी, टर्शरी इज मोर देन प्राइमरी, प्राइमरी इज ए, ए इज मोर देन डी। अब मान लो नॉर्मल प्रोपाइल की जगह मैं आइसोप्रोपाइल अमीन ले लें, ये भी एक बीच में बात बताता हूँ, देखो कि नॉर्मल प्रोपाइल एमीन इज मोर बेसिक देन आइसोप्रोपाइल एमीन, क्यों, आइसोप्रोपाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्मली ये दो एग्जांपल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने के साथ फिर हमें एकदम देखना मुश्किल हो जाता है, रीजनिंग का एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है इनको, तो इसके लिए हमें KB की वैल्यू पर डिपेंड करना पड़ता है। एक लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो बहुत ध्यान से देखिए कि इन गैस फेज, इस लाइन को आप बहुत ध्यान से देखना कि गैसी प्रावस्था हो, इन गैस फेज और इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट बेसिसिटी जो है केवल किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन प्लस आई इफेक्ट, ओनली ऑन प्लस आई इफेक्ट डिपेंड करती है, क्योंकि सॉल्वेशन होगा नहीं उसके अंदर गैस फेज में, तो उस केस में बड़ा इजी हो जाता आंसर कि ऑलवेज, चाहे फिर एल्काइल ग्रुप कोई भी हो, टर्शियरी एमीन इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर देन अमोनिया। यानी अगर गैस फेज लिख देते हैं क्वेश्चन में या नॉन एक्वस सॉल्वेंट लिख देते हैं तो उसके अंदर सॉल्वेशन नहीं होगा हमारे पास, राइट, और तो केवल किस पे डिपेंड करेगा, प्लस आई इफेक्ट पे, प्लस आई इफेक्ट टर्शियरी में हमेशा ज़्यादा होगा, टर्शियरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर देन अमोनिया। ठीक है, बहुत अच्छी तरह आप इनको देखिए ध्यान से, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स वाले क्वेश्चंस, यही एग्जांपल्स आपका एग्जाम में आते हैं अभी, लेकिन बेसिसिटी का काम खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम एरोमेटिक एमीन्स की बात करेंगे बेसिसिटी की नेक्स्ट लेक्चर में, कि एरोमेटिक एमीन्स और एलिफेटिक एमीन्स में कौन ज़्यादा बेसिक है, फिर उन पर जब सब्सटेंट लग जाएंगे तो उनकी बेसिसिटी कैसे हम डिसाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, आप वीडियोज़ को ध्यान से सुनिए, पॉज करके अपने नोट्स बनाइए, काम करते रहिए, सुरक्षित रहिए, कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।